हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज भी हम लोग करीब करीब 4 से 5 शेयर के बारे में न्यूज़ देखेंगे कि क्या अपडेट्स थे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन शेयर से रिलेटेड। सबसे पहले जो शेयर मैंने सिलेक्ट किया है वो है येस बैंक। येस बैंक से रिलेटेड अपडेट इसलिए देना चाहता हूँ कि कल ही मैंने आपको येस बैंक से रिलेटेड बताया था कि एक फेक न्यूज़ सबके सामने आई थी कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला येस बैंक में निवेश करने वाले हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी न्यूज़ सामने नहीं था और आज आप देख सकते हो कि बहुत जगह पे ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि ये न्यूज़ फेक थी। और आप देख सकते हो कि इसी की वजह से आप ये भी बोल सकते हो कि ये न्यूज़ सच नहीं है। ये मार्केट में घूमने की वजह से आप देख सकते हो येस बैंक में वापस एक नीचे कंटिन्यूसली जो गिरावट चल रही है उसमें और भी गिरावट आपको नज़र आ रही है। और ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि ये 100 या फिर उससे नीचे भी जा सकता है। इसकी भी प्लॉसिबिलिटी बहुत दिग्गज बड़े बड़े फर्म्स है, कंपनी, उन्होंने भी बताई थी, तो वो भी सच होते हुए नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हो येस बैंक अभी ये करीब करीब 110 आप बोल सकते हो उसके भी नीचे आ चुका है और आने वाले टाइम में शायद से 100 या फिर उसके भी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अवेयर किया था, फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट राइट नाउ इन अ येस बैंक, इवन दो अगर आपको लगता है कि येस बैंक आगे जाके फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि इसके पीछे की मैंने वजह आप लोगों को क्लियर कट बोली थी कि अभी मार्केट का जो पी है वो करीब करीब 29 के आसपास चल रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई के करीब आप बोल सकते हो जो मार्केट का पी। सो एक करेक्शन आ सकते हैं मार्केट में और जब करेक्शन आएगा तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी। तो गिरावट आएगी इंटायर मार्केट में, तो डेफिनेटली ये शेयर में भी गिरावट आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। सो अल्टीमेटली यही कहना चाहता हूँ कि येस बैंक से रिलेटेड जिन्होंने भी ये शेयर नहीं खरीदा है प्लीज़ इसको मत खरीदना। जिन्होंने ऑलरेडी खरीदा है ऑब्वियसली अभी आप लोगों को होल्ड ही करना पड़ेगा लंबी अवधि तक। और एवरेज आउट की सलाह भी मैं नहीं देना चाहूँगा जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर ऑलरेडी है। सो ये था येस बैंक से रिलेटेड एक क्विक अपडेट। उसके बाद ही येस बैंक का दूसरा भाई आप मैं बोल सकते हो, ऑब्वियसली एक बैंक है दूसरी NBFC है, बट स्टिल मैं इसको दोनों को भाई इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये दोनों एक साथ गिरे थे। और वो एक साथ क्यों गिरे थे इसका वजह भी बहुत दिनों के बाद हम लोगों के सामने आया था कि येस बैंक, सब लोगों को पता है कि DHFL की में बहुत सारे लोगों का पैसा अटका हुआ है। उसमें से थर्ड रैंक अगर देना चाहोगे तो येस बैंक का सबसे ज़्यादा पैसा अटका हुआ है। एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है रैंक वन किसका होना चाहिए, तो ऑब्वियसली द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का DHFL में फंसा हुआ है। और थर्ड रैंक अगर आप देखोगे तो येस बैंक का फंसा हुआ है, वो जो करीब करीब आप बोल सकते हो 10% जो अपनी नेटवर्थ है येस बैंक का, वो उसका 10% या उससे ज़्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है जो उसका DHFL में फंसा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जब भी ये शेयर गिरते तो दोनों एक साथ ही गिरते। और आज भी आप देख सकते हो DHFL कंटिन्यूस नया लो बनाते ही चला जा रहा है, कंटिन्यूसली नए लो बनाते ही चला जा रहा है। और जिससे रिलेटेड मैंने कहा था ये शेयर में आपको होना नहीं चाहिए, फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी ये सोचते कि ये शेयर में खरीदारी का मौका है, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि वो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फ्यूचर नहीं है इस शेयर में, थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है 10-20-30 रुपये का, बट इस सिर्फ 20 या 30 रुपये कमाने के चक्कर में आप अपना एंटायर कैपिटल खतरे में डाल सकते हो। सो अल्टीमेटली यही कहना चाहूँगा कि DHFL में भी आपको बिल्कुल निवेश नहीं करना है फ्रेंड्स। और अगर ऑलरेडी किया है तो मैंने पहले ही कॉल दे दिया था कि आपको एग्जिट होना है। अभी ये तो शेयर बहुत ही नीचे आ रहा है और आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने कहा कि और भी ये नीचे जाने की संभावना जताता है। बड़े बड़े दिग्गज फर्म ने इसको 50 के नीचे की भी रेटिंग दी है, मतलब बोले ये इससे भी नीचे जाने की कोशिश है। और आप देख सकते हैं एज एन अ परफॉर्मेंस ये डेफिनेटली जाने की पूरी संभावना है। सो जैसे कि मैंने कहा कि जिनके पास भी DHFL है वो एग्जिट कर ले तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि आज भी आप देख सकते हो 15% से ज़्यादा DHFL में गिरावट है। सो ये था येस बैंक और DHFL से रिलेटेड एक क्विक अपडेट आप जस्ट लोगों को अवेयर करने के लिए, बताने के लिए। उसके बाद जो मैंने तीसरा शेयर सिलेक्ट किया है वो आप देख सकते हो आपके सामने है जेट एयरवेज। आप सभी लोग देख सकते हैं जेट एयरवेज में आज 40% से भी ज़्यादा गिरावट है। ये कोई नई बात नहीं है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था ये शेयर धीरे 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 नीचे करके डेफिनेटली ये ख़त्म हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि वैसे आप लोगों के सामने दिख रहा है कि जेट एयरवेज जिस कंपनी के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिस कंपनी के पास पैसा ही नहीं होता है, जो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं ला सकते, जो अपने असेट की रिस्पेक्ट नहीं करते। असेट मतलब सबसे बड़ा असेट कौन सा था जेट एयरवेज का, पायलट्स, उनकी सैलरी उन लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दी थी। तो आप देख सकते तो ये हाल कभी ना कभी होना ही था और जिससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत बार अवेयर भी किया था। सो ये होना ही था, जैसे कि मैंने कहा ये तो 40 तो दिख रहा है ये भी बहुत है, आने वाले समय में ये और भी नीचे जाएगा डेफिनेटली। अगर सिंगल डिजिट में भी देखे तो आप लोगों को कोई ताजुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही ये कंपनी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है।
इससे रिलेटेड अपडेट मतलब यही बोलना चाहता हूँ कि NCLT में अभी इसका एप्लीकेशन जा चुका है, मतलब अभी ये कंपनी आइदर ये रिजॉल्व होगी या फिर बैंकक्रप्ट हो जाएगी। और ये NCLT में कौन जा चुका है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा इसमें पैसा अटका हुआ है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने NCLT में अपील कर दी है कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शायद से इसमें अब शुरू हो जाएगा। और अगर कोई नहीं इसको खरीदने आया है तो आखिरी रिसोर्ट जो बचता है वो होता है इसका बैंकक्रप्टसी, मतलब सारे असेट बेच दिए जाएंगे और जितना भी पैसा आएगा वो जितने भी क्रेडिटर्स है, जो भी बैंक है जिन लोगों को पैसा नहीं मिला उन लोगों में वो बांट दिया जाएगा। सो यही बात बताने के लिए सिर्फ अपडेट किया है आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि प्लीज़ ऐसे किसी भी शेयर में मत फंसिए, दूसरों को भी अवेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं होती है उनको ऐसे गुमराह किया जाता है कि ऐसे एक साल का चार्ट पैटर्न बता के या फिर ऐसे पाँच साल का चार्ट पैटर्न दिखा के कि ये देखिए शेयर का प्राइस 870 है, अभी ये 40 पे मिल रहा है, तो प्लीज़ खरीदना। फ्रेंड्स आई होप ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दूसरों को अवेयर करें, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो जाएंगे। सो अभी जो NCLT में हियरिंग होने वाली है वो 20 जून तक एडजॉन कर दिए, एडजॉन मतलब पोस्टपोन कर दिए, तो 20 जून को देखने को मिलेगा कि जेट एयरवेज में क्या होता है, NCLT क्या फैसला सुनाते हैं, कोई रिजोल्यूशन कुछ होता है या नहीं, या फिर बैंकक्रप्टसी की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। सो ये था जेट एयरवेज से रिलेटेड अपडेट। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर इंडसइंड बैंक के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट दीजिए, तो उससे रिलेटेड मैं आज बात करने वाला हूँ इंडसइंड बैंक से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जिनके भी पोर्टफोलियो में इंडसइंड बैंक है, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को होल्ड करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, डेफिनेटली यहाँ पे वीकनेसेस है। और आप लोगों को मैं एक बताना चाहता हूँ, ये गुड न्यूज़ भी है, आप बोल सकते हो आज ही ये गुड न्यूज़ सामने आई है। आप सभी लोगों को पता है कि मॉर्गन स्टैनली कितनी बड़ी फर्म है, कंपनी है, तो उन्होंने इन लोगों को रेटिंग जो कम कर दी थी वो रिज्यूम कर दी है। इसी के वजह से आप देख सकते हैं थोड़ा सा बीच में उछाल आया था, वो इसी वजह से आया था, न्यूज़ में भी दिखाया गया था कि मॉर्गन स्टैनली ने इनको जो रेटिंग दी थी वो थोड़ा सा रिज्यूम कर दिया है, मतलब अच्छे रिटर्न अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को देखने को ये मिल सकता है। इसमें जो गिरावट हुई थी, बहुत सारे लोग पूछते इसमें गिरावट क्यों हुई थी, सो इसमें गिरावट होने की सबसे बड़ी वजह थी कि बहुत सारे लोगों को डर लग रहा था कि येस बैंक, आप सभी लोगों को पता है कि येस बैंक में कितनी ज़बरदस्त गिरावट हुई, और सिमिलर काइंड ऑफ अ चीज़ येस बैंक में जो हुई, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे थे मार्केट ने कि ये इंडसइंड बैंक में भी ऐसी होने की संभावना ज़्यादा है, ऐसी न्यूज़ घूम रही थी सामने, बट उसकी किसी ने भी अभी तक पुष्टि नहीं की है, मतलब वो न्यूज़ अभी तक सच है या नहीं है किसी ने अभी तक बोला नहीं है। तो ऐसे मार्केट में अफवाहें उड़ती रहती है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था येस बैंक से रिलेटेड कि राकेश झुनझुनवाला उसमें निवेश करने वाले हैं, तो ऐसे हमेशा अफवाहें मार्केट में चलती रहती है। सो यही न्यूज़ ऐसी सामने आई थी कि शायद से येस बैंक में जो हुआ वो इंडसइंड बैंक में भी होने वाला है, तो बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आप लोगों को देखने को मिला। बट अल्टीमेटली बहुत सारे जो दिग्गज बड़े लोग हैं उन्होंने कहा कि ये सच नहीं है अभी तक न्यूज़, और ऐसी कोई भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बोला, तो इसलिए आप देख सकते हैं येस बैंक में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ, जैसे कि मैंने बोला माफ कीजिए इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, आप लोगों को लोअर लेवल पे ये बैंक जरूर दिख रहा है, बट जैसे कि मैंने कहा कि मॉर्गन स्टैनली ने इनके ऊपर जो रेटिंग बताई थी वो थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया था, वो अभी थोड़ा सा रिज्यूम कर दिया, इसलिए ये वापस थोड़ा सा अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। सो अल्टीमेटली यही बोलना चाहूँगा कि जिनके भी पोर्टफोलियो में पैनिक आपको नहीं करना है, आप चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हो, बट एक ही प्रॉब्लम है आपको लंबी अवधि तक होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि गिरावट और भी आ सकती है, कि जैसे मैंने कहा कि मार्केट बहुत हाई में चल रहा है और भी गिरावट आ सकती है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा प्रेशर में है तो थोड़ी बहुत और भी गिरावट आ सकती है, बट अल्टीमेटली अगर आप लंबी अवधि का नज़रिया रखोगे तो डेफिनेटली ये आपको वापस एक अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर कमा के देगा। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि अगर हम लोग गिरावट कैलकुलेट भी कर दे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30% तक की गिरावट है, जो कि बहुत ही आम बात होती है, मैंने बहुत बार कहा है कि शेयर 40% या फिर 50% भी चला जाता है तो भी वो एक्सेप्टेबल होता है, स्टॉक मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशन ज़रूर होती है, बट अगर आप लंबी अवधि तक होल्ड करोगे तो डेफिनेटली आपको ये शेयर अच्छा खासा मुनाफा देने का पोटेंशियल रखता है। फ्रेंड्स इसके बाद जो शेयर मैंने सिलेक्ट किया है वो भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में, लुपिन करके, ये एक फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत सारे रिटेल निवेशक इसमें इसलिए अटके क्योंकि ये शेयर राकेश झुनझुनवाला जी के भी पोर्टफोलियो में, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसमें बाइंग की हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ऐसे किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ लुपिन जैसा शेयर राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में ही है बट उनको भी लॉस हो रहा है। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने JP एसोसिएट में भी पैसा लगाया था, वो भी उनका डूब गया। उसके बाद DHFL में भी राकेश झुनझुनवाला जी ने ऐसा लगा था, वो भी उनका डूब गया। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का सबसे सक्सेसफुल या फिर पॉपुलर शेयर टाइटन, वहाँ से उन लोगों ने अपनी
कुछ पोजीशन मतलब कुछ स्टेक अपना सोल्ड आउट कर दिया था, तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि टाइटन शेयर खत्म हो जाएगा क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी वहाँ से एग्जिट हो रहे, अपना स्टेक थोड़ा सा बेच रहे। बट आप लोगों को बताना चाहता हूँ टाइटन अभी अपने ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है। सो अल्टीमेटली यही बोलना चाहता हूँ, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। और इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। सो यही बात बताने के लिए ये स्पेसिफिकली शेयर मैंने कवर किया है। लुपिन अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मर नहीं कर रहा है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखें तो आपको देखने को मिलेगा ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली जा रहा है। और इसकी सबसे वर्स्ट चीज़ यही है फ्रेंड कि आप सभी लोगों को पता है निफ्टी 50 के शेयर्स होते हैं। निफ्टी 50 के शेयर्स मतलब ये 50 शेयर्स कैसे सिलेक्ट करती है, ये NSE खुद सिलेक्ट करती है फंडामेंटल एनालिसिस करके। उनको जो अच्छे 50 शेयर लगती है वो 50 के अपने निफ्टी 50 में ऐड करती है। और लुपिन भी कभी उसका पार्ट हुआ करता था, वो लुपिन को अभी हटा दिया गया है टॉप 50 में से जो निफ्टी 50 है। और उसके बदले JSW स्टील आप सभी लोगों को पता है उस शेयर को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो लुपिन के सामने दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है। और आप सभी लोगों को पता है फार्मा सेक्टर भी एक डाउन सेक्टर है और बहुत सारी चीज़ें फार्मा सेक्टर से ये आउटवर्ड पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होती है, जो फॉरेन में पॉलिसी होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है। सो आप देख सकते हो इसमें रहना बहुत ही एक लॉस भरा हो सकता है या फिर आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। सो अगर आप देखें कि मैं 5 साल का भी चार्ट ओपन करूँ तो आपको दिखेगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है और गिरावट होती ही चली जा रही है। सो लुपिन से रिलेटेड मैं यही बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो लोग पूछ रहे थे सर क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए लुपिन से रिलेटेड, तो मैं उनको ना ही बोलूँगा क्योंकि जैसे मैंने कहा सेक्टर बहुत ही वीक है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है, निफ्टी 50 से भी ये शेयर को एग्जिट कर दिया है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंडिकेटर यही बता रही है कि लुपिन जैसे शेयर से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। सो आई होप आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। और अगर इस चैनल में अगर आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक करना, तो जो भी मेरा एनालिटिक्स वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।